हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने एक पहले भी गतिमान एक्सप्रेस के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि गतिमान एक्सप्रेस का जो रूट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 19 फरवरी से, और ग्वालियर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। और अब फ्रेंड्स, जैसे कि उस वक्त ये भी खबर आई थी कि इसको 1 अप्रैल से झांसी तक भी फर्दर आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब वो काम हो चुका है और ये इसका रूट एक्सटेंड हो गया। अब मैं आगे आपको ग्वालियर से झांसी तक के बीच में जो भी इसका जो सफ़र है और जो भी स्टेशन जो बीच में पड़ रहे हैं वहीं रुकती तो नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ से होकर के जाएगी जो, और जिससे कि आप रेल प्लानिंग कर सकें, और इस सब के लिए मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो आगे तक देखिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्वालियर के बाद अब कौन कौन से स्टेशन्स होंगे जिनसे होकर गुजरेगी। अभी तक इसका जो टोटल डिस्टेंस था वो था अप्रॉक्स 306 किलोमीटर, जो कि अब एक्सटेंड होने के बाद हो गया है अप्रॉक्स 403 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं ग्वालियर के बाद अगला स्टेशन कौन सा आएगा। फ्रेंड्स, ग्वालियर के बाद आपका अगला स्टेशन आएगा 11:25 पर सिथोली, और उसके बाद 11:31 पर संदलपुर, और उसके बाद आपका 11:35 पर ये ट्रेन पार करेगी अंतरी। अंतरी एक जो स्टेशन है NCR जोन का। उसके बाद 11:44 पर ये ट्रेन अनंतपेत ये स्टेशन पार करेगी, और उसके बाद 11:47 पर ये ट्रेन समरिया ताल इस स्टेशन को पार करेगी, और उसके बाद फिर 11:51 पर स्टेशन होगा डबरा। डबरा स्टेशन वैसे भी फेमस है रेल फेनिंग के लिए, आप यहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद फिर 11:59 पर कोतरा इस स्टेशन को पार करेगी, उसके बाद 12:06 पर सोनागिर, एंड 12:15 पर दतिया। दतिया स्टेशन भी रेल फेनिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद 12:26 पर करारी, जो कि झांसी डिवीज़न में आता है, और करारी के बाद फिर आपका झांसी जंक्शन 12:35 पर ये ट्रेन आपको पहुंचा देगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरी कुछ टेक्निकल वीडियोस जो मैंने बनाई हैं अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।